वनिता जी क्या? अच्छा वो वर्क कर रहे हैं, मुझे वर्क करना बहुत पसंद है। गुड आफ्टरनून। कहाँ से आ रहे हो और बालों की क्या हालत बनाई है? मैं अभी से आ रहा हूँ। और बाल की बात क्या बताऊँ आपको कि क्या कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई, 50 रुपये लेने लगे हैं आज का दिन। 50 तो आप समझ नहीं, अगर पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो बाल भी ज़्यादा काटने चाहिए ना। बस चुचू चुचू करके देते हैं दोनों तरफ से। मैंने कहा कि पूरे 50 रुपये ले रहे हो तो बुरा तो चारों तरफ से कचरा तो नहीं लग रहा ना। ओके सॉरी, क्या बात है कि साहिबा तो सब्जियों भी करने लगे हैं आजकल। ओह यस, एक्चुअली अपने जुहू गई थी हस्बैंड के शॉपिंग करने। जुहू? जुहू जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ना, लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे, सीधा जुहू चले जाते हैं, यही लखनऊ वाला चले जाती, आने जाने के पैसे ही कम पड़ते हैं। और वहाँ सेल भी चल रहा है, अगर 1000 की शॉपिंग करती तो 20% का ऑफ के हिसाब से 200 रुपये बच जाते और वो 200 की सेविंग स्कीम लग जाती। अच्छा इंटरेस्ट मिलता आपको? शुभम जी, हमें आपके इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट नहीं, हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। वो प्रीति के रिश्तेदार जो है ना, बिल्कुल तमीज़ है। क्यों, क्या हुआ बनते हैं? उन्होंने इतनी सी भी जहमत नहीं उठाई कि ऑफिस में आके एक बार अपनी शक्ल दिखा कर गया। आप नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं, बिल्कुल वो तो उसके जीजा जी को कुछ काम था इसलिए। जीजा जी? हाँ जीजा जी। हाँ शुभम जी, आप कुछ बोल रहे थे जीजा जी। आप जीजा जी? हाँ जीजा जी। किसके जीजा जी? हाँ प्रीति के जीजा जी, मतलब नैना के पति। हाँ तो उनका कोई काम था वनिता जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका मैसेज ना मुझ तक पहुँचा दूंगा और मैं कहूँगा आकर आपसे मिले। ऐसे नहीं चलेगा सोसाइटी में, क्यों साहिबा जी? सही बात है ना।